पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन एक बार फिर से हंगामेदार होने वाला है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर में एक चुनावी रैली करने वाले हैं। रैली से पहले इमरान खान ने शाहबाज सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जिंदा कौम जुल्म बर्दाश्त नहीं करने वाली, लेकिन इसके साथ ही इमरान ने यह भी कहा कि भारत में पाकिस्तान के इन हालातों का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलेआम पीएम शहबाज शरीफ को चुनौती दे दी है। इमरान ने साफ साफ कहा है कि वो आज 2 बजे लाहौर में चुनावी रैली करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो सब बताएंगे जो इमरान खान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। दरअसल इमरान खान इस बात के बहाने पाकिस्तान सरकार पर हमला कर रहे थे कि उनके देश में किस तरह से कानून का माहौल बनाया गया है। आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का, खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान के लीडर कह रहे थे कि ये तो ज्यादा देर रहेंगे नहीं, ये फिर दम हो जाएंगे हमारे में। इमरान खान यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कबूल किया कि पाकिस्तान फौज का सियासत में हमेशा से ही दखल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसके बावजूद वो लगातार शहबाज सरकार पर हमलावर है। लाहौर में रैली करने के बहाने भी उन्होंने शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा है कि लाहौर की जनता जानवर नहीं है, वो जिंदा दिल कौम है। अगर ऐसे ही जुल्म जारी रहा तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी सरकार गिराने में अमेरिका के साथ मिलकर साजिश रची गई। एक डिप्लोमेट बर्तानिया के एम्बेसडर वो कहता है कि CIA ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है, अमेरिकनों ने। मुझे पता है क्या हुआ, जनरल बाजवा उसमें शामिल था और ये सारे PDM के लोग शामिल थे, इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट गिराई। मैं तब से पूरी कोशिश करता रहा कि कानून और आईन के बीच में चलो। जाहिर है इमरान खान हमलावर हैं। शहबाज शरीफ सरकार पर देश चलाने के लिए भीख मांगने का आरोप लगा चुके इमरान अब लाहौर रैली के बहाने सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया,